आज हम बनाएंगे चमचम। चमचम बनाने के लिए 1 लीटर दूध, 1 कप चीनी, 1 चम्मच विनेगर। अब हम दूध को गर्म करेंगे। इसे दूध को गर्म होने में 10 मिनट लगेगा। दूध गर्म होने लगा। ये पैकेट वाला दूध है। दूध को मैं गैस बंद करूंगी। दूध को मैं थोड़ी देर तक मैं ठंडा करूंगी। ज्यादा गर्म रहेगा तो नहीं फटेगा, थोड़ा टाइम लगेगा फटने में। इसे इतना ठंडा करना है कि ये हाथ डालने पर ये उंगली सह सके। अब ये दूध ठंडा हो गया है इतना। अब मैं गैस ऑन करूंगी और मैं ये विनेगर ये मैं डाल के चलाती जाऊंगी और ये फटना शुरू हो जाएगा ऐसे। इसे चलाते रहने से ये तुरंत फटने शुरू हो जाएगा। एक चम्मच से तो इसका कुछ नहीं हुआ, 1 चम्मच और लगेगा। इसे मैं दोबारा डाल रही हूँ विनेगर। ये दूध फटने लग गया। ये दो चम्मच विनेगर डालने पर ये फटा है दूध। ये फट गया है दूध। अब मैं इसे एक जालीदार बर्तन में, ये बर्तन है गमला छोटा सा और ये जालीदार बर्तन है, मेरे पास छोटा बर्तन नहीं है और ये पतला कपड़ा है, इस पर मैं रख के ये अब मैं ये दूध इसमें डाल के मैं छानूंगी। और मैं इसे पकड़ के बहुत गर्म है अभी, पानी ठंडा पानी डाल के मैं इसे मैं साफ कर दूंगी ताकि इसका सिरका निकल जाए। ये खट्टापन निकल जाता है। ये मैं पानी निचोड़ ली इसका, ऐसे निकाल दी, ये निकाल दी, इतना निकला है, 150 ग्राम होगा ये। अब ये मैं छेना को मैं ऐसे 10 मिनट तक मैं मसलूंगी ताकि ये एक साथ मिल जाए पूरा। मुलायम हो जाता है ऐसे, इस हथेली से इसे मसलना है। थोड़ा टाइम लगता है इसे मसलने में, तभी ये जाके मुलायम होता है। अब मैं मसल ली इसे और अब मैं छोटा छोटा, अब मैं इतना छोटा छोटा लोई गोली लेके इसे
इसे हल्के हाथों से बनाते हैं और इसे थोड़ा टाइम लगता है, इसमें क्रेक नहीं आनी चाहिए। इस छेना में मैं ये फूड कलर मिलाऊंगी, ग्रीन कलर का। इसमें मैं ये अब मैं इसका भी गोली बनाऊंगी। अब मैं गैस ऑन करूंगी, आधा चीनी इसमें, और मैं इसे 1.5 कप पानी डालूंगी इसमें। ये 1.5 कप पानी मैं डालूंगी इसमें चाशनी के लिए। जब पूरी चीनी गल जाएगी तब मैं इसमें छेना डालूंगी। ठंडा रहेगा तो ये फटने शुरू हो जाता है। ये चीनी को मैं मिला दूंगी इसमें। अब ये चाशनी खोलने लग गया। अब मैं एक एक करके ये छेना इसमें डालूंगी। अब मैं देखती हूँ रसगुल्ले तो बड़े बड़े हो रहे हैं। थोड़ा मैं पानी डालूंगी इसमें, ये चम्मच में लेके इसके ऊपर से मैं ऐसे डालूंगी ताकि चाशनी गाढ़ी ना हो। चाशनी गाढ़ी हो जाएगी तो ये फूलना बंद कर देगा। अब मैं इसे निकालूंगी। ऐसे करके चमचम निकाल ली। अब दूसरा वाला भी मैं डालूंगी इसमें। अब मैं हरा वाला डालूंगी इसमें। ये खोलने लग गया। ये आज हम एक गणतंत्र दिवस है, रिपब्लिक डे, उस त्योहार पर हम खास मैं बनाई हूँ। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा इसे। धन्यवाद।